नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। एक तरफ सरकार जनता से वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास और गड्ढा हो सड़कें होंगी, और यहाँ एक मामला सामने आया है। बिहार के किशनगंज जिले के अंतर्गत बहादुरगंज में PWD द्वारा घोटाले का मामला सामने आया है। आइए हमारे संवाददाता चंदन दास जी बिहार से जुड़े हुए हैं। चंदन दास जी, क्या मामला आया है घोटाले का? देखिए सर, जो किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत झियाकटा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में जो हो रहा है सर, जो रोड बन रहा है PWD, इसमें काफी रोड में घोटाला हो रहे हैं, जिसमें जो मटेरियल देना था वो मटेरियल नहीं दे पा रहा है। बाकी पौने इंच से भी हाफ इंच केवल वो मटेरियल डाल रहा है, उसका ना प्रेशर से उसका मिट्टी साफ किया जाता है, नहीं मतलब उसमें सिंचाई की जाती है, नहीं तेल उल डाला जाता है, इसमें कुछ नहीं डाला जाता, बाकी सिर्फ रोड़ी और गिट्टी डाल करके वो बिछा करके वो चले जाते हैं। और ग्रामीणों का कहना है, चंदनी मैं आपसे पूछना चाहूँ, किस तरह का माल सड़क पर डाला जा रहा है, कितने दिन तक सड़कें चलती हैं वहाँ? मेरी अभी बात हुई सर, जो इसका जो टेंडर लिए हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे मेरी बात हुई, उसके बाद मजदूरों से बात हुई, तो ठेकेदार का कहना है सर कि हमको किसी सबको देना पड़ता है, मुखिया को देना पड़ता है, समिति को देना पड़ता है, जिला पार्षद को देना पड़ता है, विधायक को देना पड़ता है, थाना प्रभारी को देना पड़ता है, ये सबको देते करके मेरे पास व्यवस्था नहीं है, जीरो में उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जो मजदूरों लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो मजदूरों में कह रहा है कि जितना हमको ऑर्डर मिलेगा मैं उतना ही डाल सकता हूँ, उसके अलावा ज्यादा नहीं डाल सकता। सड़क बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो किस तरह से सरकार को सरकार के आदेशों की और धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, किस तरह सरकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है इसमें लिप्त है, क्या कहना चाहेंगे चंद्र जी? सर, इसका तो ग्रामीणों ने काफी उसका मतलब उर्दंग मचा हुए रखे हैं, यहाँ पे काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, क्योंकि लेबर जो लोग थे, लेबर को भी पिटाई करने वाले थे, क्योंकि अभी माहौल अभी थोड़ा शांत है, जिसके कारण लेबर लोगों को ही बचाई गया है, यहाँ पे बचा करके रखे हुए हैं अभी साइड में इन लोग को। और ग्रामीणों ने कहना है कि चाहे फिर से बनाइए, या फिर बढ़िया से बना करके दीजिए, या फिर नहीं तो इसको उखाड़ के फेंक दीजिए, हमको इस तरह का रोड चलने का नहीं है, जिसके कारण सर चलती है तो उसके कारण वो रोड उखड़ जाती है, क्योंकि इसमें 0% इसका रोड का काम हो पा रहा है। चंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अधिकारियों से आपने जब इस मुद्दे पर बात करना चाहिए तो अधिकारियों का क्या जवाब था इस पर? देखिए, यहाँ पे आपका वीडियो भी आए हुए थे, जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं स्कूटी वो भी आए हुए थे, तो उनका कहना है कि मेरा सामने में ही मतलब मैं सामने में ही रह करके मतलब ये कार्य करूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो जहाँ तक उम्मीद है कि तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो 2 किलोमीटर का मतलब ये रास्ता था, जिसमें DT रोड 1.5 किलोमीटर है, बाकी जो RCC जो है वो 0.5 किलोमीटर है, तो इसमें मिनिमम। चंदन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस जो सड़क बनाई जा रही है ये कितने दिन से कार्य चल रहा है, और किशनगंज के बहादुरगंज में चल रहा है ये कार्य, तो वहां पर कितनी दूर तक अभी ये सड़क बन चुकी है, और इससे पहले जहां सड़क बनाई थी तो वहां पर कितने दिन बाद वहां पर गड्ढे हो गए थे? सर, ग्रामीणों ने या बाइक से या पैदल हो या अगर गाय बकरी चलती हो तो वो चलने से ही मतलब वो रोड उखड़ जाती है। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे चंदन जी? सर, ग्रामीणों से मैंने बात किया, ग्रामीण काफी उकसाए हुए हैं, हो सके कि मतलब ये काम अभी भी बंद किया हुआ है, काम रोड का काम अभी बंद है, इस तो भी है। और जो ठेकेदार लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि आदमी कहीं भी चले जाए, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरा जो समस्या है मैं उसी समस्या पे मैं काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमें जानकारी देने के लिए। नजर है वीडियो 0 पॉइंट पे डाला जा रहा है, और आइए हम ग्रामीण से बात करते हैं कि आदमी का क्या आक्रोश है। सुनिए ना, इससे पहले भी हम इसको सुझाव दिए थे कि रोड सफाई नहीं हो रही है और बालू मिट्टी पे ढलैया हो रहा था, तो कई बार हम लोगों ने इन लोगों को सूचित किया कि भाई चलिए काम हो रही है, एक तो जल्दी काम हो नहीं पा रही है, अगर काम हो रही है तो थोड़ा बढ़िया से कीजिए, मगर मनमाना किया, काम में ध्यान कभी नहीं दिया, ठीक है। और आज ग्रामीणों ने सुबह से हल्ला करना शुरू किया, फिर हमको फोन हुआ, तब हम आए, आके जो देख रहे हैं कि सही माने काम में
भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है, इससे हम लोगों को काफी खेद है। तो ग्रामीणों का बहुत आक्रोश है और कहना जा रहा है कि ये दो दिन से तीन दिन ज्यादा से ज्यादा रोड टिकेंगे, उसके बाद जो है ये रोड बारिश होने के कारण ये खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपका अच्छा नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबलू भाई है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यही वार्ड नंबर 9 में है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में ग्रामीणों ने हम लोगों को सबको यानी कि बताया गया आकर के कि यहाँ रोड बहुत ज़्यादा रफ बन रहा है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। वोट के टाइम में आप लोग दौड़ करके आ जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं ये एमपी साहब को वोट दीजिए, एमएलए साहब को वोट दीजिए, और जब मान के काम गलत हो रहा है तो आप लोग जाके सो जाते हैं। तो हम लोगों ने जब इनको आकर के इनका जो मुंशी था उनसे बात की है, उनको बताया कि सर ये रोड आप बना रहे हैं, आपका मेन ठेकेदार कौन है? तो हमको बताने लगे कि आप यहाँ का डीएम हैं, आप कौन होते हैं ये बात पूछने वाले? ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है और ऐसा ही होगा। पूरा रोड यहाँ बन गया था, लगभग मान के चलिए कि 10-20 फीट के एरिया में बाकी था, समझे? इसमें हमने कि थोड़ा अग्रोच करने के बाद जब ये नहीं माना तो उसके बाद हम सांसद जी को फ़ोन किए और ये हमको ये बता विधायक जी को फ़ोन किए, तो इन्होंने हमको ये बताया कि जिसको बुलाना है बुला लो, सब पीसी लेके बैठा हुआ है और आपको जो उखाड़ना है उखाड़िए, हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे। कौन बोला? बबलू जी, मैंने बताना चाहूंगा आपको, ये बात किसने बताया? ये जो इनके मुंशी थे यहाँ पे वही बताया, मेरा गुप्त कैमरा में उनका भी हमने यानी कि कर लिया है रिकॉर्डिंग। इसका मतलब आप भी गुप्त कैमरा रखे हैं? जी, कैमरा मेरे पास है और हमने उनसे जो भी बात किया है मेरे पास भी रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने उनसे बहुत ही संजीदा मिजाज से प्रेम से उससे पूछे कि भाई आखिर ऐसा जो हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ जो कमी है इसको फिनिशिंग करना चाहिए आपको। तो बोल रहा है कि जो मेरा योजना है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको जहाँ जो करना है जाके कीजिए, हम इसी अनुसार काम करेंगे। अच्छा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मुंशी आपको बताया गया तो वो किनको किनको पीसी दे रखा है? ये वो बताया कि जिला पार्षद को दिए हैं, विधायक को दिए हैं, एमपी साहब को दिए हैं, ठीक है। और आपको जहाँ जाना है जाइए, हमको जो करना है वही करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रशासन को भी दिया गया है, मुखिया को भी दिया गया है, उसके बाद आपका जिला समिति जो है उनको भी दिया गया है, यानी कि सबको दे दिया गया। क्या तो यहाँ पे कोई प्रशासन या कोई मुखिया या कोई अदर कोई? हम चार बार फोन किए, नहीं आ रहे। जो इंजीनियर साहब थे हम उनको कम से कम एमपी साहब हमको नंबर दिए, हमने उनको 3-4 बार कॉल किया, हम बोले सर आप यहाँ एक बार आइए स्थानीय जगह पे आके जो सही है वो देखिए, लेकिन वो बात को इग्नोर कर रहा है, बोल रहा है हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। लगभग हम लोग 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 11:13 हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी का पता नहीं है, सब मनमाने रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जानकारी करने के लिए। कहाँ घर हुआ आपका? लास्टी। क्या करते हैं आप? कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष हैं। क्या आप इसके बारे में जानकारी कुछ दे सकते हैं? ये रोड 2.5 किलोमीटर है, एक रोड इसका पहले बना, इसका हिस्सा पीसीसी ड्राइव हुआ जो हमारे पंचायत से छियाघट्टा पंचायत से जो पंचायत को जोड़ता है। पहले मैं उस रोड के बारे में बोलता हूँ, जो पीसीसी ड्राइव हुआ है उसमें जो ये किराया गया बेड वसाली किराया गया उसमें रोड चला रही बस यही वहाँ भी आने। उसमें तो वो हवा वाला जो मशीन होती है वो भी हवा देने के बाद ही मतलब वो आपका ढलाई किया जाता है। आप खुद देखिए कि हवा वाला मशीन का क्या हाल है, आप खुद देखिए इस रोड का आपको जहाँ जहाँ खड़ा किया है क्या प्रेशर है, क्या रोड का क्या सफाई किया है, आप देखिए यहाँ का जितना हुआ है सब देखा, हम लोग सब देखे कि इस रोड का क्या। मैंने इस रोड के बारे में विधायक जी से भी संपर्क किया, एमपी साहब का पीए भी उसको बात किया, बोला कि मैं इंजीनियर भेज रहा हूँ, मैं बी डी ओ साहब से बात किया, मैं जिला प्रशासन के तमाम लोगों से बात किया, सब कोई बोला कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा कोई लेट है, लेकिन हम लोग पूरा यहाँ का ग्रामीण जो यहाँ मिले हम लोग सोचे कि इस रोड को हम लोग खराब होने नहीं देंगे, जहाँ तक हो जैसे हो अच्छा रोड नहीं बनेगा हम लोग काम करने नहीं देंगे। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है कि ये कितना में आपका एस्टीमेट पास हुआ है? एस्टीमेट आज तक नहीं दिखाया, मैंने इनका ठेकेदार से कहा, इनका मुंशी से रब्ता किया, ये लोग बोलता है कि मेरा वहाँ ठेकेदार है, ये नहीं है वो नहीं है, मतलब हमेशा लाम का लगा हुआ। ये रोड जितना भी बना ये बालूबारी यही रोड की है, ये रोड 3 पंचायत लमसम जोड़ता है, एक रोड ये यहाँ से सीधा बालूबारी जाती है, ये रोड पलासुनी जाती है, ये रोड छियाघट्टा में जोड़ती है, ये पूरे रोड मैं यहाँ की सिर्फ यहाँ की बात नहीं करता, ये पूरे रोड जहाँ जहाँ बना है ये पूरा रोड में आने पूछा हूँ, इससे पहले भी मैं इस रोड में जा चुका हूँ, मैं इसके लिए नियम साहब को भी मैं अपने लेटर पेट में इसको आवेदन दूंगा और पूरा ग्रामीण इसके लिए ये करेंगे एक्शन करेंगे, मैं सबके साथ इन लोगों को लेकर डीएम साहब के पास जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा इस रोड को लाके कि सर क्या यही काम होना चाहिए, क्या यही काम होता है, मैं दिखाऊंगा कि बदनाम करने का साजिश हो रहा है और कुछ नहीं। तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ जो इसका जो ठेकेदार है,